चलिए अब हम लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं एज के। ये क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट आपको लग सकता है, ये थोड़ा लेंदी भी है, बट ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। मुझे नहीं पता ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा नहीं आएगा, बट अगर आया तो ये 4 या 6 मार्क का मिनिमम आएगा। ये कौन सा क्वेश्चन की बात कर रहे हैं हम लोग? ये ऑप्शनल एक्सरसाइज पेज नंबर है हमारा 68, उसके क्वेश्चन नंबर 1 की बात कर रहा हूँ मैं। आप लोग प्लीज़ अपनी एनसीईआरटीज में निकाल सकते हैं या फिर आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, जैसी आपकी इच्छा हो। एक बार आप क्वेश्चन पढ़ लीजिए प्लीज। क्या दिया हुआ है? द एजेस ऑफ टू फ्रेंड्स अनी एंड बिजू डिफर बाय 3 ईयर्स। अनीज फादर धर्म इज ट्वाइस एज ओल्ड एज अनी एंड बिजू इज ट्वाइस एज ओल्ड एज हिज सिस्टर कैथी। द एजेस ऑफ कैथी एंड धर्म डिफर बाय 30 ईयर्स। फाइंड द एजेस ऑफ अनी एंड बिजू। बेटा वो सब बाद में, पहले मैं सर क्वेश्चन को सिंपल खुद के लिए बनाने के लिए, अगर आप देखोगे इसमें 4 कैरेक्टर्स है, अनी, बिजू, कैथी एंड कौन है चौथा, धर्म। ये ए बी सी डी जैसा फॉलो कर रहा है, ये कोइंसिडेंटली भी कर रहा हो या फिर उसलिए बनाया हो मुझे पता नहीं। आप लोग अनी को ए बोल सकते हैं, बिजू को बी, कैथी को सी और धर्म को डी, एक्स वाई जेड डब्ल्यू सबको जैसा कुछ रैंडम लेने की जगह पे, तो हम वही करने वाले हैं। प्लस यहाँ पे एक वर्ड यूज हुआ है डिफर। अगर आप लोग ये जो हमारे से डिजिट्स के जो क्वेश्चंस थे उसमें आपने अगर क्वेश्चंस में डिफर वाला क्वेश्चन किया है तो आपको समझ जाएगा जो हम आगे करने वाले हैं। जिन्होंने नहीं किया है मैं उनके लिए वापस से कुछ डिस्कस कर रहा हूँ। मान लेते हैं दो फ्रेंड्स हैं, ये है ए ये है बी। मैंने बोल दिया ए के पास है 100 रुपीज़, बी के पास मुझे पता नहीं है, मे बी एक्स रुपीज़ है। मैंने बोला ए और बी के जेब में जो पैसे हैं दे डिफर बाय 50 रुपीज़। फिर आपने क्या कहा? द मनी डिफर्स बाय 50 रुपीज़। अब देखो, अब बी के पास अगर आप सोचो सर बी के पास मतलब 50 रुपीज़ है, तो हाँ सर ये सही है। बट अगर कुछ बच्चे सोचे नहीं सर बी के पास 150 रुपीज़ है, तो ये भी सही है। तो दोनों सही कैसे हो गए? देखिए आपने कहा डिफर, आपने कहा क्या ए के पास ज़्यादा है कि बी के पास ज़्यादा है? अगर ए के पास ज़्यादा है तो हो जाएगा बी के पास 50 रुपीज़, बट अगर बी के पास ज़्यादा है तो वो हो जाएगा क्या 100 रुपीज़। मतलब अगर ए ग्रेटर है बी से तो क्या होता है, ए माइनस बी इक्वल टू 50 यूज़ करता था मैं, बट अगर मेरा ए स्मॉलर है बी से या बी ग्रेटर है ए से तो जब बी माइनस ए इक्वल टू 50। बेटा यही मस्त वर्ड है डिफर का। क्या हो जाता है डिफर में, आपको पता ही नहीं होता है किसके पास ज़्यादा किसके पास कम, तो आपको दो केसेस लेने पड़ जाते हैं। तो वैसे ही हम ये वाले सिचुएशन में भी करने वाले हैं। जिन लोगों ने पहले ये चीज़ डिजिट्स में पढ़ी थी उनको तो कोई प्रॉब्लम हुआ नहीं होगा, जिन लोगों ने पहली बार पढ़ी है आप आगे डिजिट्स में जाएंगे तो आपको वहाँ पे आसानी हो जाएगी, कोई बात नहीं। अब बेटा देखिए, मैंने अनी को ए मानना है, बीजू को बी मानना है। अब क्या दिया हुआ है कि अनी एंड बीजू की एज डिफर बाय 3 ईयर्स। बेटा मैं इस क्वेश्चन को दो अलग अलग पेजेस में सॉल्व करने वाला हूँ, एक यहाँ पे और एक इसके नीचे। तो मैं पहला सिचुएशन केस ये मान लेता हूँ, केस 1, सर अनी इज ग्रेटर देन बीजू, ये मेरा केस 1 यहाँ सॉल्व होने वाला है। और केस 2 जो कि मैं दूसरे पेन से करने वाला हूँ, केस 2, सर बीजू इज ग्रेटर देन अनी। तो पहले सर हम इसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट करते हैं कि अगर अनी इज ग्रेटर देन बीजू और उनका एज डिफर कर रहा है 3 से, तो हमारा फर्स्ट इक्वेशन क्या बन जाएगा, ए माइनस बी इक्वल टू 3। इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 मान लिया है। अनीस फादर धर्म इज ट्वाइस एज ओल्ड एज अनी। सर देखिए, अनीस फादर धर्म, यानी अब धर्म की बात करो तो धर्म इज ट्वाइस एज ओल्ड एज अनी। धर्म इज, धर्म की जगह मैंने डी लिखा, इसकी जगह पे इक्वल टू लिखा, ट्वाइस की जगह पे 2 इंटू लिखा और अनीस एज की जगह पे ए लिखा, सही हो गया। सेकेंड, थर्ड क्या आगे क्या दिया हुआ है, बिजू इज ट्वाइस एज ओल्ड एज कैथी। सर ये क्या गया, बिजू इज ट्वाइस एज ओल्ड एज कैथी। फिर ये मेरा बन गया थर्ड इक्वेशन यहाँ से। अब आगे क्या दिया हुआ है, द एज ऑफ कैथी एंड धर्म डिफर बाय 30। अब एक और परेशानी, ये कैथी और धर्म के इसमें भी मुझे डिफर बाय दिया गया है, ना कि ऐसा दिया गया है कैथी बड़ी है या धर्म। सर धर्म ही बड़े होगा ना, पापा है। अरे तुम ये सब दिमाग मत लगाओ, कौन बड़ा है क्या बड़ा है वो अपने मैथमेटिक्स को दिमाग लगा दो, अपने रिश्ते नाते मत निभाओ यहाँ पे। सिंपल सा वापस से हमारे दो केसेस होने वाले हैं। केस 1 ये ए हो रहा है,
और ये यहाँ पे ब्लू कलर से केस वन बी होने वाला है। केस वन ए क्या है मेरा सर? आपने अब किन किन का दिया हुआ है? कैथी और धर्म का। सर मैं माने तो कैथी बड़ी है धर्म से, तो मेरी इक्वेशन क्या बन जाएगी? क्या दे डिफर बाय 30, तो सी माइनस डी इज इक्वल टू 30 हो जाएगा यहाँ पे। और सर ये यहाँ पे क्या होने वाला है? सर धर्म बड़ा है कैथी से, तो एम्प्लाइज डी माइनस सी इक्वल टू 30। अब बेटा अब आएगा मज़ा। आपको याद है इक्वेशन नंबर 1, 2, 3, ये इन्हें हम यूनिवर्सल इक्वेशंस बोलते थे, जिन लोगों ने डिजिट्स किया है। बेटा जिन्होंने नहीं किया, यूनिवर्सल इक्वेशन का मतलब ये होता है कि जो भी हो ये इस केस के अंदर ट्रू होने ही वाली है। मतलब मेरी इक्वेशन नंबर 1, 2, 3 तो ट्रू है ही। अब मेरी ये ग्रीन वाली इक्वेशन ट्रू है या फिर ब्लू वाली इक्वेशन ट्रू है? तो अगर मुझे सॉल्व करना है चार इक्वेशंस को, तो मैं 1, 2, 3 एंड ग्रीन यूज करूंगा सॉल्व करने के लिए, या फिर 1, 2, 3 एंड ब्लू यूज करूंगा? पहले मैं ग्रीन वाले का करता हूँ। बेटा अगर आप चाहो तो ये इक्वेशन नंबर 4 इसको लिख सकते हो। अब मैं सी की जगह पे क्या लिख सकता हूँ सर? बी बाई टू लिख सकता हूँ। तो वो यहीं से निकाल लेते, काम करते हैं हम लोग। एम्प्लाइज बी बाई टू इक्वल टू सी, और इसको इक्वेशन नंबर 3 बोल देते हैं राधर देन इसको बोलने के। तो हमें सी की वैल्यू तो मिल गई, वैसे डी की वैल्यू 2 है तो हमें पहले से पता ही थी सर। तो ये सी की जगह पे मैंने डाला बी बाई टू, और डी की जगह पे क्या डाला मैंने? 2a इज इक्वल टू 30। तो सर ये मेरी इक्वेशन नंबर 5 बन चुकी है। अब देखिए इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 5, बी एंड ए के बीच में दो इक्वेशंस हो रही है, तो सर इन दोनों को साइमेट्री सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्विंग वन एंड फाइव, सर अब क्या कर सकता हूँ मैं? ए की जगह पे 3+b लिखना शुरू कर सकता हूँ, और यहाँ पे एलसीएम वेलसीएम बाद में देख लूँगा सर। बी बाई टू माइनस से ए क्या हो रहा है? ए की जगह पे मैं लिख लूँगा 3+b, और वो 2 टाइम्स था इज इक्वल टू 30। बेटा मैं जानता हूँ क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड है, बट आप कुछ नहीं कर सकते इस चीज़ के लिए। बी बाई टू माइनस 6 माइनस 2b इक्वल टू 30, तो बी बाई टू माइनस 2b इक्वल टू 36। कुछ बच्चों को दिख गया होगा कि सर b की वैल्यू नेगेटिव आ रही है, जिनको नहीं दिखा है देख लीजिए। b माइनस 4b अपॉन 2 इक्वल टू 36 था सर, माइनस 3b इज इक्वल टू 72, तो b इज इक्वल टू माइनस 72 बाय 3, तो ये हो जाएगा 24। b कैन नॉट बी नेगेटिव, सर इसका मतलब ये हुआ बी नेगेटिव हो नहीं सकता है, और बी नेगेटिव हमारा कब आ रहा है? जब कैथी बड़ी है धर्म से, तो इम्प्लाइज सी ग्रेटर देन डी इज नॉट पॉसिबल। सी ग्रेटर देन डी नॉट पॉसिबल, सर मतलब ये वाला सिचुएशन तो खत्म, इससे कोई आंसर आया ही नहीं। अब हम यहाँ पे आ जाते हैं ब्लू वाले इंक वाले पे, जहाँ पे मेरा डी ग्रेटर था सी से। अब मैं उसमें वैल्यू डालता हूँ सर, 2a माइनस सी की वैल्यू कितनी है सर हमारी? बी बाई टू इज इक्वल टू 30। सर यहाँ पे 5 इक्वेशन तक यूज़ कर लिया था, इसको मैंने 6th इक्वेशन बोला है। अब मैं सॉल्विंग 1 एंड 6 कर रहा हूँ, उससे क्या हो जाएगा सर? तो मेरी फर्स्ट इक्वेशन थी a माइनस बी इक्वल टू 3, तो बी की ए की जगह पे मैं क्या डाल दूंगा? 3+b। सर ए की जगह पे आ जाएगा 3+b माइनस बी बाई टू इक्वल टू 30, क्योंकि 6+2b माइनस बी बाई टू इक्वल टू 30। ये मैंने 6 को वहाँ भेज दिया, तो मेरा क्या होना शुरू हो गया है? 2b माइनस बी बाई टू इज इक्वल टू 24। एलसीएम लिया 4b माइनस बी बाई टू इज इक्वल टू 24। सर 3b बाई टू इक्वल टू 24 इम्प्लाइज बी की वैल्यू कितनी आ रही है सर हमारी? 16। अगर b 16 आ गया तो a कितना आ रहा है हमारा सर? सर ए हो जाएगा 16+3 विच विल बी ए इज 19 ईयर्स। सर देखिए अब हमारा एक सिचुएशन तो आ गया है, ए 19 ईयर्स और बी 16 ईयर्स, यानी एनी आ रही है हमारी 19 ईयर्स और बीजू आ रहा है 16 ईयर्स का। बेटा बहुत कॉम्प्लिकेटेड है मैं जानता हूँ, और ख़त्म भी नहीं हुआ अभी तो। अब देखिए हमने क्या किया था, हमें पता था अनी और बीजू की एज डिफर करती है बाई 3 ईयर्स। हमने दो केसेस मानना था, पहला केस माना अनी ग्रेटर देन बीजू,
वो ये केस वन था। फिर दूसरा केस माना बीजू ग्रेटर देन अनी। हमने पहले से अनी ग्रेटर देन बीजू वाला सॉल्व कर रहे थे, हमने जब वो किया तो ए माइनस बी इक्वल टू थ्री आया, डी की वैल्यू मुझे पता थी टू ए है, बी की वैल्यू टू सी है। अब मैंने वापस से मुझे दिया था कैथी एंड धर्म डिफर्स बाय 30 ईयर्स, तो उसमें भी दो केसेस थे, या तो सी ग्रेटर देन डी या डी ग्रेटर देन सी। जब मैं सी ग्रेटर देन डी लिया उसे सॉल्व किया तो मुझे पता चला ये तो पॉसिबल ही नहीं है। फिर मैंने डी ग्रेटर देन सी लिया और सॉल्व किया, तब मुझे क्या पता चला कि सर वो पॉसिबल है, उससे हमारे अनी की ये जा रही है 19 ईयर्स और बीजू की ये जा रही है 16 ईयर्स। सर आंसर तो आ गया, गेम खत्म। नहीं बेटा, आपको जितने पॉसिबल आंसर्स है सबके सब पॉसिबल आंसर्स को आपको लाना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि इतना है गेम खत्म। सर मतलब क्या सर, केस टू को भी आपको अलग से सॉल्व पूरा पूरा करना पड़ेगा। अब वापस से मान के चलते हैं, हम लोग क्वेश्चन स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं, बस हमें पता है बीजू इज ग्रेटर देन अनी इम्प्लाइज बी माइनस ए इज इक्वल टू 3 ईयर्स। तो ऊपर कितनी इक्वेशन यूज हो गई थी हमारी, छठवीं तक के हो गई थी, तब ये बन गई 7th इक्वेशन। अब हम लोग ये जो थी, वैसे हम चाहे तो ये जो सेकेंड और थर्ड इक्वेशन थी उसको एज इट इज यहाँ यूज कर सकते थे, बट हम ये मान के चलते हम क्वेश्चन को आपस से सॉल्व कर रहे हैं, तो हम लोग कर लेते हैं। सर अनीस फादर धर्म, सर धर्म इज ट्वाइस एज ओल्ड एज अनी, एंड सर उसके आगे क्या था, बीजू इज ट्वाइस एज ओल्ड एज कैथी। याद है इसके आगे हमको ने निकाला था कि सी इज इक्वल टू बी बाई टू, ठीक है इसको ऐसा ले लेते वापस से। फिर हमें क्या दिया गया था वापस से, इफ कैथी एंड धर्म डिफर बाय 30 ईयर्स। सर वापस से हमको दो केसेस देना पड़ेगा क्या? हाँ बिल्कुल बेटा। सर यहाँ पे ले लिया मैं सी ग्रेटर देन डी, सॉरी इसको केस का नाम देता हूँ मैं, केस टू है क्या है सर, वो सी ग्रेटर देन डी। और सर हमारा एक और केस क्या होने वाला है, केस टू बी रहने वाला है मेरा, केस टू बी, डी इज ग्रेटर देन सी, ये डी माइनस सी 30 होने वाला है, और वैसे ही वहाँ पे सी माइनस जी 30 हो रहा है। इसको अगर मान लीजिए मैंने 10th इक्वेशन माना, अब इसमें मैंने डी और सी की वैल्यू डालना शुरू कर दिया है, तो ये क्या हो गया सर हमारा, डी की जगह पे क्या लिख, सी की जगह मैंने लिख दिया बी बाई टू, और डी की जगह पे मैंने क्या लिख दिया, डी की जगह हो गया टू ए इज इक्वल टू 30। अब सर देखिए बी माइनस ए इक्वल टू 3 और बी बाई टू माइनस टू ए इक्वल टू 30। सर वहाँ से बी इज इक्वल टू 3 प्लस ए वाली वैल्यू यहाँ डाल रहा हूँ मैं, तो हो जाएगा 3 प्लस ए अपॉन 2 माइनस टू ए इक्वल टू 30। ये बी को प्रॉपरली लिख लेता हूँ मैं जिससे बच्चों को कन्फ्यूजन ना हो, बी बी नहीं सॉरी ये तो था 3 था हमारा, आई थिंक क्या था वो 3 था, सॉरी 3 प्लस ए बाई टू माइनस टू ए इक्वल टू 30। एलसीएम लिया माइनस 4 ए द होल बाई टू इज इक्वल टू 30, तो ये आ गया माइनस 3 ए प्लस 3 इज इक्वल टू 60, तो माइनस 3 ए इज इक्वल टू 57। देखिए ए की वैल्यू वापस से मेरी नेगेटिव आ रही है माइनस 19, विच इज़ नॉट पॉसिबल। तो इसका मतलब क्या हो गया अगेन, सर सी इज नॉट ग्रेटर देन डी, सी ग्रेटर देन डी इज नॉट पॉसिबल। सर अब आगे क्या करेंगे हम लोग, कुछ नहीं बेटा, अब आगे वापस से अपना वही हम लोग डी ग्रेटर देन सी वाला यूज़ करना शुरू कर लेंगे। देखिए अब डी ग्रेटर देन सी है तो डी माइनस सी इक्वल टू 3 हुआ था, अब मैंने यहाँ पे वैल्यू सब्सटीट्यूट करना शुरू कर दिया, डी की जगह पे क्या डाला 2 है, सी की जगह पे क्या डाल दिया मैंने माइनस बी बाई टू इज इक्वल टू 30 हो गया बेटा ये। अब मैंने ये इक्वेशन नंबर 11 थी है, अब मैं सॉल्विंग 11 एंड 7 है, अब मैं डाल सकता हूँ सर ए की जगह पे, अब बी की जगह पे 3 प्लस ए, सो ये क्या 2 ए माइनस 3 प्लस ए बाई टू इज इक्वल टू 30। एलसीएम लिया 4 ए माइनस 3 प्लस ए द होल बाई टू इक्वल टू 30, ब्रैकेट्स खोला, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाई मैंने, तो क्या आ गया मेरा उससे 4 ए माइनस 3 माइनस ए इज इक्वल टू 60, सर 3 ए इज इक्वल टू 63, ए इज इक्वल टू 21। इम्प्लाइज बी कितना हो गया मेरा, सर आपका बी माइनस ए 3 था, तो बी की वैल्यू कितनी हो रही है उससे 24, बी इक्वल टू 24, ये भी एक पॉसिबल आंसर आ गया। अनी की वैल्यू हो गई 21, बीजू की वैल्यू हो गई 24,
या फिर अनी की वैल्यू हो गई 19 और बीजू की हो गई 16। तो आपने आंसर क्या लिख दिया, हेंस अनी की 21 ईयर्स, बीजू की 24 ईयर्स और एक और पॉसिबल आंसर था हमारा, वो क्या था जो हमने ऊपर निकाला था, अनी की 19 और बीजू की 16 और अनी इज 19 ईयर्स एंड बीजू इज 16 ईयर्स। बेटा ये क्वेश्चन कहीं से भी दूर दूर तक के भी आसान नहीं था। मैं जानता हूँ कि 6 मार्क का क्वेश्चन तो डिजर्व करता है अपने आप को, मान लीजिए गलती से बोर्ड्स में आ गया तो 6 मार्क की बात है, इसलिए ये सोचे दिमाग में आप सॉल्व करिए। मैं एक बार आपको आखिरी बार बता रहा हूँ क्या किया था हमने, हमें दिया गया था अनी और बीजू कितने से डिफर कर रहे हैं, 3 ईयर से डिफर कर रहे हैं, तो हमने लिख लिया ए माइनस बी इक्वल टू 3 या फिर बी माइनस ए इज इक्वल टू 3। ये चीज़ हमने डिजिट्स में भी देखा है, जिन्होंने देखा है वो वहाँ देखने वाले हैं। इसके बाद में हमें इक्वेशन जो थी कि सर धर्मा ट्वाइस है अनी का और बीजू ट्वाइस है कैथी का, वो तो हमने इक्वेशंस बना ली थी। फिर हमें दिया हुआ था कैथी और धर्मा भी डिफर करते हैं कितने से, 30 ईयर्स से। तो इसमें वापस से दो अलग अलग केस आए थे, इसमें वन ए वन बी किया था, या तो सी बड़ा है डी से या डी बड़ा है सी से। अगर सी बड़ा है डी से तो सी माइनस डी इक्वल टू 30। फिर मैंने उसको सॉल्व किया ए और बी के टर्म्स से रिड्यूस करके, मेरे पास ए और बी के रिलेशंस दो आ गए थे, टू इक्वेशंस टू वेरिएबल्स, तो मैंने उसे सॉल्व किया और निकालने की कोशिश की, तो मेरा वैसे ही बी फट से नेगेटिव आ गया, बट बी के नॉट बी नेगेटिव, इसलिए ये सिचुएशन जो कि सी ग्रेटर देन डी है वो पॉसिबल ही नहीं थी। अब मैं दूसरा सिचुएशन लिया डी ग्रेटर देन सी वाला, उसमें क्या हुआ, उसको मैंने सॉल्व किया, रिड्यूस किया ए और बी के, इसमें दूसरा रिलेशन लाने के लिए, तो मेरा क्या आया बी इक्वल टू 16 एंड ए इक्वल टू 19 ईयर्स। तो ये तो मेरा एक सेट ऑफ पॉसिबल सोल्यूशन हुआ है। फिर दूसरा क्या था मेरा पॉसिबल सोल्यूशन, उसने मैंने देखा बी ग्रेटर देन ए वाला, मतलब बीजू बड़ा है अनी से 3 साल से बड़ा है, तो बी माइनस ए इक्वल टू 3। फिर मैंने जो भी था मेरा धर्मा इज इक्वल टू 2 ए, बीजू इक्वल टू 2 टाइम्स कैथी, वो वाला किया। अगेन कैथी और धर्मा के बीच में एज का डिफरेंस कितना है, 30 ईयर्स का है, तो मैंने उसमें भी दो केसेस लिया 2 ए और 2 बी, जैसा ऊपर लिया था उन दोनों को वैसा सॉल्व करना शुरू किया। अगर सी ग्रेटर देन डी लिया तो मेरा वापस से ए नेगेटिव आना शुरू हो गया था, विच वॉज अगेन नॉट पॉसिबल, तो उसको मैंने वैसे ही छोड़ दिया। फिर 2 बी विच इज धर्मा ग्रेटर देन कैथी, तो डी माइनस सी इक्वल टू 30, फिर उससे मैंने सॉल्व किया, तो मेरी ए की वैल्यू 21 और बी की वैल्यू 24 आई, मतलब मेरे दो सेट ऑफ पॉसिबल आंसर्स हुए। बेटा आप लोग भी इसे ना दो अलग अलग पेज में कीजिएगा, और जैसा मैंने किया है आप लोग वैसा ही कीजिएगा। मैं आपको अच्छा खासा टाइम दे रहा हूँ इसको देख देख के करने के लिए भी, और खुद का दिमाग लगा लगा के करने के लिए भी। अभी के लिए मैं एनसीईआरटी बंद कर देता हूँ। आप लोग प्लीज़ इस चीज़ को देखते जाइए और सॉल्व कर लीजिए। अच्छा ये बेटा दिस इज़ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पार्ट, अब आपको इश्यूज नहीं आएगा कुछ भी, ये आपका ख़त्म कर देगा एज के ऊपर के पूरे क्वेश्चंस।
बट आई होप आपका ये पहला वाला तो हो गया है केस, अभी केस टू पे जा रहे हैं।